हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल क्रोम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको एक झटके में कैसे सॉल्व किया जाए। कभी कभी होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें गूगल क्रोम में प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है कि आपको समझ में भी नहीं आता है कि करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए गूगल क्रोम आप खोल रहे हैं तो गूगल क्रोम ओपन नहीं हो रहा है, या फिर गूगल क्रोम खुल भी जा रहा है तो उसमें कुछ सर्च कर रहे हैं तो सर्च नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कैसे किया जाए, उसकी फाइल को कैसे डिलीट किया जाए और न्यू क्रोम को कैसे इंस्टॉल किया जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को ओपन करना है, उसके बाद हम चले जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी में जाने के बाद हम चले जाएंगे सी ड्राइव में। उसके बाद आपको प्रोग्राम फाइल ओपन करना है। तो ही वहां पर हमें गूगल क्रोम के नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसको हमें डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें अपने डेस्कटॉप पे चले जाना है। डेस्कटॉप पर आने के बाद हमें वहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें वहां पर सर्च करना है गूगल क्रोम डाउनलोड। ये जो पहला वाला ऑप्शन आपको मिलता है ये गूगल क्रोम का ऑफिशियल वेबसाइट, आप जाकर के गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम जब डाउनलोड हो जाए तो उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते समय कुछ परमिशन मांगेगा जिसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। आपके भी गूगल क्रोम में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से और भी यूजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।